हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप ऑल आर डूइंग वेल। सो फ्रेंड्स, बात करेंगे जीटीएल इंफ्रा शेयर के बारे में। 5G सेक्टर से रिलेटेड एक बहुत ही स्मॉल सा पेनी स्टॉक है, 1 रुपीज के आसपास मिल रहा है आपको। आज ओपन हुआ 1.24 पे, हाई बनाया 1.25 पर एंड लो 1.20। 5% का ही सर्किट इसमें अभी तक डिसाइड किया हुआ है सेबी ने। टर्नओवर है कंपनी का 1,74,00,000, तो टर्नओवर काफ़ी अच्छा है, लैक्स में नहीं है, करोड़ में टर्नओवर है। मार्केट कैप है 1,527 करोड़ का। टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से बिलोंग करता है ये शेयर है। T+2 डेज इसका सेटलमेंट है। तो फ्रेंड जानेंगे ऑफिशियल अनाउंसमेंट। तो फ्रेंड्स ऑफिशियल अनाउंसमेंट देखो, 5 जुलाई को एक और ऑफिशियल अनाउंसमेंट आई है, कंप्लाइंसेस सर्टिफिकेट। तो अगर हम इसे ओपन कर लेते हैं तो इसमें कुछ कंप्लाइंस के बारे में बताया गया है। डिपॉजिटरी एंड पार्टिसिपेंट्स रेगुलेशन क्वार्टर एंड 30th जून। सो फ्रेंड, दिस इज द लेटेस्ट ऑफिशियल अनाउंसमेंट जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर, 5 जुलाई को आया है। सो फ्रेंड्स, आप ही इस डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं, इन्होंने वी एनक्लोज हियर अ कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट अंडर रेगुलेशन दिस एज रिसीव्ड फ्रॉम दिस कंपनी। ये कंपनी का नेम है बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। सो फ्रेंड्स, इन्होंने इसमें कंप्लायंस की बात करी है। वी हेयर बाय कन्फर्म दैट द सिक्योरिटी सर्टिफिकेट रिसीव फॉर डीमेटेरियलाइजेशन हैव बीन एंड कैंसल। तो ये कैंसिल कर दिया गया है इन्होंने, इसी से रिलेटेड ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट है। आप BSE की साइट पर जाके देख सकते हैं। इससे पहले जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो नॉर्मल क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो से रिलेटेड है। सो फ्रेंड, ये दो पेजेस का डॉक्यूमेंट है, आप देख सकते हैं। इन्होंने कॉपी लगाई है सर्टिफिकेट की रेगुलेशन के अंडर, एज रिसीव फ्रॉम बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट ऑफ द कंपनी। सो दिस इज द ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो कंपनी ने दी है अपने इन्वेस्टर्स को। एंड टारगेट्स आप यहाँ से क्या लेके चल सकते हैं कल के लिए, तो वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आपको टारगेट्स डेफिनेटली प्रोवाइड करना चाहूँगी। उससे पहले आप डॉक्यूमेंट देख लीजिए एंड क्लियरली समझ लीजिए कि जो डीमेटेरियलाइजेशन था वो कैंसिल हो चुका है और उसी का वेरिफिकेशन चल रहा है। 2 पेजेस का ऑफिशियल अनाउंसमेंट आई है। इससे पहले जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो ट्रेडिंग विंडो क्लोजर के रिलेटेड है, क्योंकि Q1 के रिजल्ट्स आने वाले हैं। फाइनेंशियल ट्रेंड इनका काफ़ी फ्लैट है। प्रोमोटर्स होल्डिंग जस्ट 3.33% है और बाकी पब्लिक की होल्डिंग है 96%। तो प्रोमोटर्स की काफ़ी कम होल्डिंग है फ्रेंड्स इस शेयर में अगर देखा जाए तो। जो इनका प्रॉफिट है अगर एनुअली कंपेयर करें तो लॉस इनका थोड़ा कम हुआ है, बट अगर क्वार्टरली करें तो इनका लॉस ज़्यादा हुआ है फ्रेंड्स। सो क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा नहीं आया, बट एनुअली अच्छा आया है। टारगेट्स आप फ्रेंड्स यहाँ से लेके चलिए अप ट्रेंड में 1.30 एंड लोअर साइड आप 1.15 लेके चलिए।